मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ओंटारियो हुकूमत का नसब सदी पुराने न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तज़य्युन आराइश का फैसला। प्लांट कम अज़ कम मज़ीद 30 साल तक काम करता रहेगा। फैसला बिजली की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी होने का इंकशाफ। बहुत से सरकारी मुलाज़मीन मुतासिर हो सकते हैं। हुकाम का कहना है कि डेटा सिक्योरिटी की तवील खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा का गजा में मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों को 40 मिलियन डॉलर इमदाद देने का ऐलान। कैनेडियन वजीर का कहना है कि हमने फैसले मासूम लोगों के लिए किए हैं। कनाडा की इजरायली हुकूमत के अहलकारों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की मजम्मत। ईरान से जंग नहीं चाहते लेकिन अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। उर्दन में अमरीकी फौजी बेस टावर टूटू को निशाना बनाने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन सूबे ओंटारियो की डॉकफोर्ड हुकूमत पिकरिंग न्यूक्लियर प्लांट की तज़य्युन आराइश करेगी क्योंकि बिजली की तलब बढ़ रही है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की डॉकफोर्ड हुकूमत पिकरिंग न्यूक्लियर प्लांट की तज़य्युन आराइश करेगी क्योंकि बिजली की तलब बढ़ रही है। कनाडा का सबसे कदीम न्यूक्लियर पावर स्टेशन 30 से ज़ायद सालों तक काम करने की तवक्को रखता है, जिससे एक साल में तकरीबन 11,000 मुलाजमतें पैदा होंगी। ओंटारियो की हुकूमत ने मंगल को ऐलान किया कि वो नसब सदी पुराने पिकरिंग न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन की तज़य्युन आराइश का इरादा रखती है और प्लांट को कम अज़ कम मज़ीद 30 साल तक काम करता रहेगा। यह ऐलान उस वक्त सामने आया है जब ओंटारियो में बिजली की तलब आने वाली दहाइयों में तेजी से बढ़ने की पेशगोई की गई है। दरी असना तमाम सूबों को वफाकी सा बिजली के जवाबित का सामना है, जिसके लिए मुस्तकबिल के पावर प्लांट्स को खालिस सिफर कार्बन इखराज पैदा करने की जरूरत होगी। तवानाई के वजीर टूट स्मिथ ने ओंटारियो के पावर जनरेशन के पावर प्लांट की तज़य्युन आराइश के लिए डॉकफोर्ड हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया। स्मिथ ने जोहरी प्लांट के बाहर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे सूबे को अभी भी इस स्टेशन और इसके कारकुनों की ज़रूरत है और ये तज़य्युन आराइश मौसर तरीके से चार जनरेटर्स की एक बड़ी तब्दीली मुकम्मल तौर पर तजदीद शुदा होने के बाद बहुत बड़ा असर डालेगी। चार जौहरी यूनिट जिनकी तजदीद की जाएगी वो तमाम कैंडो रिएक्टर हैं जो 1980 की दहाई के अवाइल के हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर पिकरिंग बी के नाम से जाना जाता है। तजदीदकारी से 2000 मेगावाट बिजली फराहम की जाएगी जो इन मौजूदा यूनिट्स की मौजूदा पैदावार के मुकाबले में है। पिकरिंग का ऐलान ओंटारियो के इन मनसूबों में ताज़ा तरीन है, जो कैनेडा की जौहरी तवानाई की अब तक की सबसे बड़ी तौसी होने के लिए तैयार है। फोर्ड हुकूमत का कहना है कि जौहरी तौसी की ज़रूरत है क्योंकि ऑटो सेक्टर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकली, स्टील की सनत का कोयले से चलने वाली भट्टियों से दूर होने की मंसूबाबंदी और ओंटारियो की बढ़ती हुई आबादी, ये सब मिलकर बिजली की मुतवक्के तलब के दरमियान फर्क पैदा करेगी। आलमी उमूर कनाडा में हुकाम बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रहे हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी उमूर कनाडा में हुकाम बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रहे हैं। अंदरूनी ईमेल्स एक माह तवील सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की वजाहत करती हैं, जो बहुत से सरकारी मुलाजमीन को मुतासिर करती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा के हुक्काम ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अमले के जरिए इस्तेमाल होने वाले अंदरूनी नेटवर्क को मुतासिर करने वाली नुकसान पर मबनी साइबर सरगर्मी का पता लगाने के बाद डेटा सिक्योरिटी की तवील खिलाफ वर्जी की तहकीकात कर रहे हैं। इस खिलाफ वर्जी से कम अज कम दो अंदरूनी ड्राइवर्स के साथ साथ ईमेल्स, कैलेंडर्स और अमले के बहुत से अरकान के रबते मुतासर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 दिसंबर 2023 और 24 जनवरी 2024 के दरमियान अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर थे। इसने किसी भी शख्स को मुतला किया जो एक सिग्नेंट सिक्योर इंटीग्रेटेड ग्लोबल नेटवर्क लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए दूर से जुड़ा है कि उनकी मालूमात खतरे से दो चार हो सकती है। समझौता शुदा निज़ाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अमला था जो ग्लोबल अफेयर्स के ओटावा हेडक्वार्टर तक रसाई के लिए इस्तेमाल करता है। GAC के नोटिस में कहा गया है कि VPN सिस्टम का इंतजाम मुश्तरका खिदमात कनाडा के जरिए किया गया था। एक बयान में ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने कहा कि गैर मनसूबा बंद IT बंद इसके नेटवर्क तक दूर दराज तक रसाई को मुतासिर कर रहा है। महकमे ने कहा कि जज्वी बंदिश को 24 जनवरी को जानबूझकर चालू किया गया था ताकि नुकसान पर मबनी साइबर सरगर्मियों की दरियाफ्त को हल किया जा सके। इब्तदाई नतज से पता चलता है कि डेटा की खिलाफ वर्जी हुई है और ये कि मुलाजमीन समेत सार्फिन की जतीी मालूम तक गैर मजाज रसाई हुई है। बयान में कहा गया है कि महकमा इस मामले की तहकीकात कर रहा है और मुतासर अफराद से रबता कर रहा है ताकि उनकी मालूम को महफूज बनाया जा सके। GAC बयान में ये भी कहा गया है कि इमारतों में रबता मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और कनाडा में दूर दराज से काम करने वाले मुलाजमीन को काम की सहूलत फराहम की गई है। महकमे की अहम खदमात और बैरूनी मवासलाती चैनल्स काबिल रसाई और फाल हैं। ग्लोबल अफेयर्स के मुताबिक सिग्नेट डिपार्टमेंट का महफूज कंप्यूटर नेटवर्क है। नेटवर्क का एक हिस्सा मुश्तरका ड्राइव्स पर ज़ाती मालूमात रखता है बशमूल मुलाजमीन की ज़ाती मालूमात, दूसरा हिस्सा खुफिया मालूमात रखता है। ये वाज़े नहीं है कि आया इस खिलाफ वर्जी में खुफिया मालूमात ज़ाया हुई जो कि एक माह से ज़्यादा जारी रहीं। ये भी वाज़े नहीं कि खिलाफ वर्जी के पीछे कौन था। ग्लोबल अफेयर्स ने कहा कि वो मुश्तरका खिदमात कनाडा और कैनेडियन सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है जो कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल रबता बहाल किया जा सके। कनाडा ने गजा में मुख्तलिफ इमदादी तंजीमों को $40 मिलियन इमदाद देने का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा उन तंजीमों को मजीद $40 मिलियन की इमदाद भेज रहा है जो फलस्तीनियों के लिए अक्वामे मुतहदा की इमदादी एजेंसी को फंडिंग रोकने के बाद गजा की पट्टी में लोगों की मदद कर रही है। यहाँ तक कि एक रुकन पार्लियामेंट ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुतहदा की एजेंसी ही गजा की जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखती है। फंडिंग टॉपअप जिसकी कुल वाबस्तगी $100 मिलियन तक पहुंचती है इस वक्त सामने आई जब कनाडा ने मुहासरा ज़दा इलाके में रहने वालों की जबरी नकल मकानी के बारे में इजरायली हुकूमत के अहलकारों की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानबाजी की मजम्मत की। बैन अलाक्वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने कहा है कि इस पूरे तनाज़े के दौरान हमने अपने फैसले इस तनाज़े में मासूम शहरियों की जिंदगियों पर मरकूज किए हैं। नई फंडिंग का बड़ा हिस्सा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN पॉपुलेशन फंड, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और अक्वामे मुतहदा के दफ्तर बराए राबता बराए इंसानी उमूर को दिया जाएगा। कनाडा की गैर सरकारी तंजीमों के लिए तकरीबन $5 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। अमरीका ने कहा है कि इस मौके पर ईरान के साथ जंग छेड़ना नहीं चाहते लेकिन उर्दन में एक हमले में अपने 3 फौजियों की हलाकत का ज़रूर जवाब देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ईरान से जंग नहीं चाहते लेकिन अपने फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। उर्दन में अमरीकी फौजी बेस टावर 22 को निशाना बनाने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि उर्दन में अमरीकी फौजी बेस टावर 22 को निशाना बनाने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान जॉन कर्बी ने मजीद कहा कि किसी भी कार्रवाई में जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि वो इस हमले का मुनासिब वक्त पर भरपूर जवाब देंगे। एक सवाल के जवाब में अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान ने बताया कि इस हमले में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के मुलविस होने का कवी इम्कान है लेकिन अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता। ताहम जॉन कर्बी ने इस अजम को दोहराया कि अमरीकी फौजियों को हमले में हलाक करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ जरूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ख्याल रहे कि इतवार के रोज उर्दन और शाम की सरहद पर अमरीकी फौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। इस वाक़े के बाद ईरान ने हमले में मुलविस होने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि हम पर इल्जामात सियासी हैं और उनका मकसद खित्ते में हकाइक को मस्क करना है। अक्वामे मुतहदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर किसी भी किस्म का हमला हुआ
تو ایران اس کا مناسب انداز میں جواب دے گا کیونکہ یہ ہماری قوم اور سرحدوں کے مفاد میں ہے۔